किडनी कांड नूं लैके हुण पुलिस दे वल्लों वड्डा खुलासा कीता गया है ते इक बंगलादेशी नागरिक दे कोलों पुछगिछ कीती जा रही है। इस बंगलादेशी नागरिक नूं इक एजेंट दे वल्लों जाली पासपोर्ट दे के भारत दे विच भेजा गया ते इत्थे आके इक हस्पताल दे विच इस दी किडनी ट्रांसप्लांट कीती जांदी है, जिस तों बाद इस नूं इलाज दे लई होटल दे विच शिफ्ट कर दिता जांदा है। ते पुलिस ते सेहत विभाग नूं जदों इस दी सूचना मिलती है तो पुलिस के वलों जो होटल के रेड की जाती है तो उत्थे यह व्यक्ति मिलता है जिसके कोलों जांच के वड्डे खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने जदों सोशल मीडिया के उत्ते इस किडनी ट्रांसप्लांट का विज्ञापन देखा तो एक एजेंट के नाल इसने संपर्क किया जिसने कि इस देश बंगलादेश के मुताबिक ही कहा जा रहा है कि 4 लाख रुपए देने का वादा किया। उस तो बाद जाली पासपोर्ट के राही इस भारत भेजा तो इतने आके जो इसकी किडनी कट ली जाती है तो इस तो बाद इस कहा जाता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी तो इस एक होटल के शिफ्ट किया जाता है। तो पुलिस जो है उसको गुप्त सूचना मिली थी इस कांड के बारे तो हम पुलिस के वलों रेड करके इस व्यक्ति के कोलों हम पूछगिछ की जा रही है। तो मामला गुरुग्राम तो सामने आया जिते कि किडनी कांड को लेकर वड्डा खुलासा होया। एक बंगलादेशी नागरिक के कोलों पूछगिछ की जा रही है। सोशल मीडिया के उत्ते विज्ञापन के राही इसने एक एजेंट के नाल संपर्क किया जिसने इसनों लालच दिता कि वह इसनों 4 लाख रुपए इसके देश की करंसी के मुताबिक ही देगा तो उस तो बाद इसका जाली पासपोर्ट बनाया जाता है तो इसको भारत भेज दिता जाता है। तो इतने एक हस्पताल के इसकी किडनी जो है वह कट ली जाती है तो इस तो बाद इस इलाज के लिए एक होटल के शिफ्ट किया जाता है। फिलहाल हम सीएम फ्लाइंग सेहत विभाग की टीम के वलों इस मामले की डूंघाई जांच की जा रही है। होर किन्ने लोगों के नाल अजिहा होया उसके बारे भी यह पता लगाया जा रहा है। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुरगांव द्वारा एक बोर्ड गठित की गई जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी, उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। किडनी ट्रांसप्लांट का क्या मामला है सर? कितने लोग हो सकते हैं? तो जांच की मामला एक मामला जिसका प्रॉपर मिला है, बाकी कई लोग यहाँ एडमिट थे जिसकी जांच चल रही है। सर कहाँ ले जाते थे, किस तरह से ट्रांसप्लांट? अभी तक था कि फोर्टिस जयपुर में इनकी होती थी और उसके बाद सर्जरी के बाद गुड़गांव में उनका पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता था। गुड़गांव के किसी हॉस्पिटल में ऐसा मामला नहीं है। सर क्या फोर्टिस हॉस्पिटल के भी लोग इनसे मिले हुए थे? फोर्टिस जयपुर, फोर्टिस गुड़गांव से कंफ्यूज नहीं कीजिए, हमेशा फोर्टिस जयपुर के, गुड़गांव में इसमें कोई केस नहीं है, फोर्टिस जयपुर का मामला है। क्या वो मिले हुए थे, इनसे जानकारी थी किस तरह से लाया? अभी ये जांच का मामला है। सर एक बड़े नामी हॉस्पिटल के पास ये स्टॉल में रह रहे हैं, क्या उसमें से लिखते हो सकते हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते, जांच चल रही है। बाबिल हॉस्पिटल सेक्टर 39 में एक रेड की गई संयुक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा, उनकी जांच में जो आया है उन्होंने दी है उस पे हम एफआईआर लॉन्च करके तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। अच्छा कितने लोग यहां से मिले हैं? अभी ये जांच का विषय है, अभी चल रहा है, जैसा प्राइमा फेशिया जो आया है अभी तक वही आपके सामने।